आइए दोस्तों पाइथन में पार्ट 89 देख लेते हैं। यहाँ पर हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज देखेंगे। दोस्तों देखिए मैंने कोड लिख रखा है, टाइम सेव के लिए मैंने कोड अपने पहले लिख के रखता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव रहे और मेरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे डेफ की ली है और शो नाम का फंक्शन बनाया हमने, और फिर इसको शो नाम के फंक्शन में हमने अपने दो कीवर्ड लिए हैं, नेम और एज। देखिए यहाँ पे नेम में हमने डीएसपी लिखा है और एज में 62 लिखा है, ठीक है दोस्तों। पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं अब देखिए रन करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां से चल के ये यहाँ जाएगा, इसमें आर्गुमेंट देगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसने डीएएसपी यानी कि हमारे चैनल का नाम डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट और एज इसकी 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भी हम इसकी एज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, डेफ की ली, शो फंक्शन लिखा, उसमें दो आर्गुमेंट दिए, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। और इस बार हमने क्या करा है, इस बार हमने कीवर्ड आर्गुमेंट में देखिए यहाँ पे हमने एफ फॉर्मेट वाला यूज किया है, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है। और इनवर्टेड कोमा में हमने नेम लिया है, कोलन लगाया है, और हमारे जो करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर हमने इनको नेम दिया है, मतलब कीवर्ड को दिया है, फिर एज लिया, फिर एज को भी करली ब्रैकेट में दिया और इनवर्टेड कोमा के साथ राउंड ब्रैकेट को बंद किया। अब जब इसको रन करेंगे दोस्तों तो देखिए हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमने क्या करा है, इसमें जो हमारे कीवर्ड थे उनको हमने इंटरचेंज कर दिया है, मतलब नेम को पीछे लिया है और एज को हम आगे लिया है दोस्तों। और यहाँ पर ये सेम है, मतलब नेम आगे है और एज पीछे है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे एफ फंक्शन के फॉर्मेट से तो देखिए ये सेम ही आंसर देगा, क्योंकि ये अपने कीवर्ड के साथ रन हो रहा है, जो सा कीवर्ड जिसका है वो उसको रन कराएगा अपने साथ लाके, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हमने क्या देखा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा कीवर्ड दिया है, ठीक है, पैरामीटर दिया है, आप उसे समझ लीजिए। अब इसको हम रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि हमारे पास तो दो ही हैं, जो हमारे पैरामीटर है दो हैं और दो ही कीवर्ड हैं, और हमने यहाँ पे तीन दिए जबकि देने दो थे। तो अब इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा, देखिए इनने शो कर दी एरर, यहाँ पे एरर है, ठीक है ये। चलिए ओके, थैंक यू।